तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुटेनमेंट हब के परिवार में। तो आज की वीडियो में हम 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके जानेंगे और उसके आंसर भी बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। अगर आपको क्वेश्चन के आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 70, ऑप्शन डी 85। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 70। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? ऑप्शन ए मलयालम, ऑप्शन बी तमिल, ऑप्शन सी तेलुगु या ऑप्शन डी बांग्ला। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोग को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी बांग्ला। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, ऋतु वर्मा का संबंध है। ऑप्शन ए शास्त्रीय गायन से, ऑप्शन बी गजल संगीत से, ऑप्शन सी पंडवानी शैली से, ऑप्शन डी कर्नाटक संगीत से। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पंडवानी शैली से। तो आज का हमारा है चौथा क्वेश्चन, भारत में पहली बार सफेद बाघ कहाँ देखा गया? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रेवा, ऑप्शन सी जलगांव, ऑप्शन डी भोपाल। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी रेवा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी इज्जत नगर। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी इज्जत नगर। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चंडीगढ़ या ऑप्शन डी देहरादून। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी देहरादून। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन सी थी? ऑप्शन ए शोभना जगदीश, ऑप्शन बी अविनाश कौर सरीन, ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी, ऑप्शन डी सलमा सुल्तान। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन सी प्रतिमा पुरी। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी गुरुमुखी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी ब्राह्मी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय है जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन डी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फायदे आजाद किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिना, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भगत सिंह या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। अगर आप लोगों को इसका जवाब पता है तो कमेंट में फटाफट से जवाब बताएं। तो टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए मोहम्मद अली। पास का हमारा है लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए जलीय ऊर्जा, ऑप्शन बी तापीय ऊर्जा, ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन डी सौर ऊर्जा। तो आपके पास 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी सौर ऊर्जा।
तो ये था हमारे आज के 10 इम्पॉर्टेंट हिंदी जीके। आई होप कि आपने अपने आप को रैंक किया होगा, कमेंट में बताया होगा कि आपको कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।